सुबह सुबह का टाइम है, हबीब भाई जो है वो सामान पैक कर रहे हैं। हबीब भाई आगे कहाँ का जाने का इरादा है? कोई पता नहीं, कुछ तो सोचा होगा कहाँ जाने। नहीं नहीं, सुवेनियर्स देखें कितने खूबसूरत पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलाई वैली में 5 दिन गुजारने के बाद आज हम वापस जा रहे हैं। ये अलाई के जो लास्ट वाले मोड़ थे, 42 या 44 मोड़ थे, ये उनमें से आखिरी वाला मोड़ है। और इसके बाद एक रास्ता आगे की तरफ जाता है और एक रास्ता जो है वो पीछे जाता है थाकोट बाज़ार की तरफ। तो हमें मुकामी लोगों ने बताया था कि जब आप इन मोड़ों को क्रॉस करके नीचे जाएंगे तो सामने एक छोटा सा बाज़ार है और बाज़ार के बाद दरिया के ऊपर तारें लगा के एक डोली सी लगाई गई है जो आपको दोनों तरफ लेके जाती है। जिस दिन हम आए थे उस दिन से आज जो है वो दरिया का पानी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, शायद बारिशों की वजह से, और पानी का जो कलर है वो भी थोड़ा गदला सा है। ये अगर हम डोली की मदद से दरिया को पार करते हैं तो हमें बिशाम जो है वो बहुत नज़दीक पड़ेगा, लेकिन अगर हम थाकोट की तरफ से जाते हैं तो हमें जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा देरी का है, हमें देर लग जाएगी उस रास्ते से जाते हुए। भाई खावर और हाफ़ज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो अभी वो रास्ते में पीछे आ रहे हैं। अगर हम अलाई का और यहाँ का कंपैरिजन करें तो अलाई में सर्दी ज़्यादा थी, जैसे जैसे हम इस पहाड़ी को क्रॉस करके नीचे आते गए वैसे वैसे जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता गया है। किवें सही रहे आप साहब? बहुत मजेदार सफर रहा। अच्छा हम डोली पार करके जाना के थाकोट था नहीं जाना? डोली पार करिए। हबीब नहीं मानता पिया, वो कहता डोली नहीं पार करनी, तुसी जाना तो जाओ, मैं थाकोट लदी दी आ जाऊंगा। आ जड़ियां तारा नहीं ओ ओथे खंभा जा लगा उस जगह तो डोली है। भाईजान हबीब भाई नहीं मान रहे, ये कहते हैं कि अगर आपने डोली पे जाना है तो जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। तो चले ये वही रोड है जिसे शाराए कराकरम भी बोलते हैं और शाराए रेशम भी, जो पाकिस्तानी और चीनियों ने मिलके बनाया था इस रोड को। ये रोड जब सर्दियों में बाबूसर टाप बंद होता है तो गिलगत जाने के लिए भी ज़्यादातर लोग इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि और दूसरा मुतबादल कोई रास्ता है ही नहीं। आजा हूँ। कौन सी जगह है? कौन सी जगह? ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ? ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 5 ਬੰਦੇ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਦਾਗਾ ਮੰਡਮ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਸ਼ਾਮ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ।
विशाम यहाँ से कितना दूर है अभी? कहाँ करने वाले हो? हम कलाम। कलाम कब हो? जी अभी जाना किधर है? हम शांगला पास से जाना है। शांगला सब एक गांव के ये विजिट के लिए जा रहे हो? चक्कर के लिए कोई खास तौर मकाम पे? नहीं नहीं विजिट के बस सैर करने जा रहे हैं। सैर करने जा रहे हैं। ऊंचा शक्ल हो जल्दी में फिर बनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा है। शाम से जो पंजाब का फासला है वो है 590 किलोमीटर और गिलगत का 323 किलोमीटर और सवात यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूरी पे है। शाम शहर के सेंटर से एक रास्ता अलाई की तरफ जाता है। अगर कोई बंदा बाबूसर पास की तरफ से शाम में आता है तो वो इस तरफ से भी अलाई वैली में जा सकता है। ये बिशाम शहर की मार्केट है और ये मार्केट वाहद इस इलाके में है जो 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ पे हर दुकान में डबल शिफ्ट लगती है। एक अगर बंदा दुकान दोपहर सुबह को खोलता है और दूसरा शाम को खोलता है। ये कराकरम हाईवे का जो रोड है नीचे को जा रहा ये गिलगत साइड पे जाएगा और ये ऊपर को जो जाएगा सामने सावात लिखा हुआ है ये शांगला पास है और हमने शांगला की तरफ जाना है तो हम इसी रोड का इस्तेमाल करेंगे। हमारी इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोगों को जो गिलगत और यानी शाहराए कराकरम बिशाम वाला रास्ता जो है इसको सवात के साथ जो रास्ता मिलाता है शांगला पास वो आप लोगों को दिखाना हमारा मकसद था। ये रास्ता कैसा है, कितना मुश्किल है, ये आपको अब दिखाएंगे इस वीडियो में। ये एक छोटा सा डैम है जो हमारे इस रास्ते में आया है। माशाल्लाह इलाका बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है। अगर हम डैम के पास चले जाते तो वहाँ दीवार है, वहाँ वीडियो नहीं बन सकती। यहाँ पर जो ऊपर खंभे लगाए गए हैं उनमें से अभी तारें डल रही हैं। मेरे ख्याल में ये अभी अभी जो है डैम चालू हुआ है और बहुत जल्द इस इलाके को ये बिजली मुहैया करेगा। की तरफ से जब आप शांगला पास पे आते हैं तो जो सबसे बड़ा बाज़ार आता है उसका नाम है करोड़ा। तो हम इस वक्त करोड़ा में मौजूद हैं। करोड़ा बाज़ार में एमसीबी का बैंक है और एमसीबी की एटीएम मशीन भी लगी हुई है। उसके अलावा पेट्रोल पंप और खाने पीने के लायक तकरीबन हर चीज़ दस्तियाब होती है। यहाँ रास्ते में थोड़ी देर स्टे किया है। इधर पानी वाली जगह पे स्टे कर रहे, पानी बहुत पीते हैं। पानी या नाल पर चश्मे की पैप जा रहा है जो लीक है कितने तो कितने पीला है। और माशाल्लाह साइड पे जापानी फल का जो है वो बाग है, बाग तो नहीं कुछ चंद पौधे हैं रोड के साथ साथ लगे हुए और वो सामने देखें बिल्कुल पका हुआ है। हाँ ये सुबह थोड़ा सा खाना बचा था, ये वकास भाई मर जाएगा अगर इसने ना खाना खाया तो यार इतना। और अगर इसने हमें ना खिलाया तो हमें कुछ हो जाएगा। अरे शफीक अंडा बहुत भूखा रखते हैं ये लोग, वो दिन के इतने इतने बड़े पेट हैं और मेरी पेटी है नहीं छोटी सी निक्की सी।
से भी भूखा रखते हैं। रास्ते में रुके हैं, मोटरसाइकिलें जो हैं वो मिट्टी से बिल्कुल भरी पड़ी थी। टैंकी की तरफ ऊपर ना मारो, ऊपर सामान है तो वो ना गिलाओ। ये पानी जो है ये किसी पंप की मदद से प्रेशर नहीं बनाया गया, ये बिल्कुल वो आप सामने देख रहे हैं ये ऊपर पहाड़ों से चश्मे से पानी को लाया गया है नीचे, तो ये खुद ब खुद इतना इसका प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पे अब थोड़ी देर रेस्ट होगा, बिल्कुल भी बैठने के लिए देखें कितनी प्यारी जगह बनाई हुई है। निकालो देखो, ये बिजली जो है ये सोलर की है या फावड़ा? फावड़ा है। ठंडा देख के निकाल दें, नजारा है। हाँ ठीक है पिलाओ, पिलाओ मुझे कुछ पिलाओ। थोड़ी देर पहले तो रोटी खाई थी आपने, मोटरसाइकिल इधर साइड पे लाई थी, साइड ला गया खोला। हाँ रोड पे नहीं खड़ी करी थी। माशाल्लाह जी मंज़र देखें, शांगला के रास्ते से हम आ रहे थे और रास्ते में हमें ऐसी कुछ दो चार जगह पे झरने बहते नज़र आए तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए इधर। आसपास का मंज़र देखें कितना खूबसूरत है, मुसलसल जो हमारा रास्ता है चढ़ाई की तरफ जाता जा रहा है। मैं थोड़ा पीछे आया था, बाकी सारे थोड़ा आगे रुके हुए हैं। ये इधर से जितना भी पानी है ये स्कूल के नीचे से बहता है और आगे वो दरिया में जाके शामिल हो जाता है। इधर एक वाटरफॉल है, शांगला वाटरफॉल इसी रास्ते में आती है, बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब। मंज़र देखें माशाल्लाह। भाई अभी इस रास्ते पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, रास्ते पे उतने आबशार, नज़ारा रास्ते पे उतने है, सारा रास्ता ही बड़ा खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच में से हर तरफ ग्रीनरी है, तो हम रुके हुए तो हमें देख के दो तीन गाड़ियां और भी रुक गई हैं। पासा खेला यहाँ से सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी पर है, टॉप के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। लगभग 6 से 7 किलोमीटर का जो सफ़र है टॉप का बाकी है और मुसलसल चढ़ाई की वजह से बाइक जो है वो ज़ोर लगा रही है हमें। मैं पिछली काफ़ी देर से दूसरे और तीसरे गियर में डाल के बाइक को लेके आ रहा हूं। ये कुछ स्लाइडिंग वाला एरिया है, बारिश के दिनों में यहाँ अक्सर रोड बंद हो जाता है, फिर मुकामी TMA है, फिर जो मुकामी TMA है वो रोड को बहाल करते हैं। ये देखें एक और बड़ी आबशार आई है, पानी की जो बूंदें हैं ये बाइक तक इधर तक आ रही हैं और हेलमेट का शीशा जो मेरा है वो गीला हो चुका है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंज़र है।
यहाँ पे फैमिलीज रुकी हुई हैं, ये देखें कितनी गाड़ियाँ वहाँ तक, रोड ब्लॉक हो चुका है। यहाँ फोटो सेशन चल रहा है सभी का। यकीनन शांगला पास एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन रास्ता है, जो ना सिर्फ फ़ादिये सवाद को शाहराए कराकरम के साथ मुंसलिक करता है, बल्कि ये रोड सफ़र करने वाले सयाहों के लिए एक बेहतरीन तफरीही मुकाम भी है। हम जैसे ही आबशारों को देखते बुलंदी की तरफ जा रहे थे कि अतराफ में हमें होटल नज़र आना शुरू हो गए, और चंद सौ मीटर के फासले पर आर्मी और पुलिस की चेक पोस्टें भी थीं, जिसकी वजह से मैं शांगला टॉप के मनाजर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप जैसे ही शांगला टॉप क्रॉस करते हैं, एक रास्ता लेफ़्ट साइड पर मालम जब्बा की तरफ निकलता है, जबकि दूसरा सीधा रास्ता चंद किलोमीटर के फासले पर ख्वाजा खेला के मुकाम पर चार बाग और कालाम वाले रोड के साथ जाकर ख़त्म हो जाता है। चूंकि हमारी मंजिल कालाम थी, तो हम ख्वाजा खेला वाले रास्ते से होते हुए मदीन बहरीन पहुँचे, और फिर शाम को हमारा इख्तिताम कालाम में जाकर हुआ। रात हमने कालाम में स्टे किया और अगले रोज़ हम अतरोड गांव की तरफ निकल खड़े हुए, जहां से हमारी मंजिल बारास्ता बड़गोई पास वादिये कुमराड थी। ये ट्रिप हमें कुछ परेशानियों की वजह से अधूरा छोड़ना पड़ा, लेकिन हमने एक दूसरे के साथ वादा किया कि साल 2023 में हम वादिये कुमराड और इससे जुड़े हुए अनदेखे मुकामात ज़रूर विज़िट करेंगे। और इस वादे के साथ इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह निगहबान।